बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीतू पटवारी दलित महिला में चासनी ढूंढते हैं। आशीष अग्रवाल ने यह प्रतिक्रिया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के उपवास को लेकर दी है। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी पर आशीष अग्रवाल का प्रहार। आशीष बोले, दलित महिला में चासनी ढूंढते हैं जीतू पटवारी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने दिखाए तेवर। जीतू पटवारी के उपवास पर कड़ी प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश में बेटियों से दुष्कर्मों की घटनाओं के विरोध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी राजधानी भोपाल में कल उपवास पर बैठने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी ने जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपना तूफानी अंदाज दिखाते हुए कहा कि निश्चित ही जीतू पटवारी को उपवास करना चाहिए, क्योंकि वह दलित महिला में चाशनी ढूंढते हैं। जिन नेताओं के घर में महिलाओं ने आत्महत्या की, उन नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। देखिए, जीतू पटवारी को निश्चित ही उपवास पर बैठना चाहिए। एक दलित महिला के लिए रस ढूंढने और चाशनी खत्म होने जैसे शब्दों के लिए जीतू पटवारी को निश्चित ही उपवास पर बैठना चाहिए, क्योंकि वो मंच साझा करते हैं ऐसे नेताओं से जिनके घर में महिलाओं ने आत्महत्या की हो, जिनके इतिहास हो महिला उत्पीड़न के। और ये जो महिला विरोधी कांग्रेस का चरित्र है, इसके लिए सभी कांग्रेसियों को उपवास अवश्य करना चाहिए। वही खंडवा की घटना को लेकर कमलनाथ के द्वारा एफआईआर की मांग को लेकर आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। यह मोहन यादव की सरकार है, हर संवेदनशील मामलों में कार्यवाही होती है। कमलनाथ को याद रखना चाहिए, वो 15 महीने की सरकार जब पीड़िताओं के लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करती थी, उनकी सरकार। ये मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सभी संवेदनशील घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। उक्त घटना में भी सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम से कम कांग्रेसी जो उनका मूल चरित्र महिला विरोधी है, वो इस तरीके की हास्यास्पद बातें ना करें। कुल मिलाकर कांग्रेस के बेटी बचाओ अभियान पर आशीष अग्रवाल ने अपने बयान से सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।